ಶ್ರೀ ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯ. ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಪದವು ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಮೂರು, ಯುಗಿ ಯುಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಮೂರು ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹವನಕುಂಡದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. बोलो भगवान त्रियुगी नारायण की जय। ये स्थान जहाँ पर आप आए हैं, मैं ये स्थान त्रियुगी नारायण का तीर्थ पुरोहित पंडित सूर्य प्रसाद सिंहवाल त्रिनारायण, ये स्थान का नाम हुआ है त्रियुगी नारायण। इसी स्थान पर जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है, जो पहले राजा दक्ष के घर में सती हुई थी। जब राजा दक्ष ने कणखल में यज्ञ किया था, हरिद्वार के पास कणखल है, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, तो शंकर पत्नी सती जो है बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, उनका उस यज्ञ पर अपमान होता है, तो वे क्रोध में आकर के उस यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग देते, वहीं पर भस्म हो जाते हैं। फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया है इस स्थान त्रियुगी नारायण में, पर्वतराज हिमांचल राजा के घर में और माता मैना की कोख में। तो पर्वतराज की पुत्री का नाम पड़ा है पार्वती, यहाँ पर जो है माता पार्वती का शादी हुआ है। ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿವಾಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ये मंदिर जो है केदारनाथ से एक युग पुराना है, ये त्रेता युग का है यानी राम युग का है, और केदारनाथ द्वापर का है, कृष्ण युग का है, जब पांडवों को गोत्रता लग गई थी वो तब का मंदिर है द्वापर का, और ये त्रेता युग का है, एक युग पुराना है। सत्युग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, और द्वापर के बाद कलयुग आता है। अभी कलयुग का जो है प्रथम चरण चल रहा है, जिसको कि 4,500 वर्ष बीत रहे कलयुग को। ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳೆಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತ್ರಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಅಗ್ನಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಧ್ವನಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅಖಂಡ ಎಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಧ್ವನಿ ಎಂದರೆ ಜ್ವಾಲೆ. यहाँ पर मंदिर के परिसर पर चार कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड दो कुंडों में स्नान होता है या पंचास्नानी होता है। विष्णु कुंड पर 3 बार आचमन होता है,
केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। चौथा सरस्वती कुंड है, उस पर पितृतर्पण होते हैं, जिनके माता पिता पूर्वज कोई गुजरे थे उनके नाम से ये सरस्वती कुंड में पितृतर्पण होते हैं। जो सरस्वती धारा जो है उत्तर वाहिनी पूरे भारतवर्ष में नहीं है, शिवाय तिरुनाल की, यहाँ पर पितृतर्पण करने से 7 जन्म पहले के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाँचवीं जगह धर्मशिला है, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है, वहाँ पर आप लोगों का इस तीर्थ का पूजन पठन होता है, पूजा के लिए प्रसाद की थाली आती है। ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4 ನೀರಿನ ಕುಂಡಗಳಿವೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ರುದ್ರಕುಂಡ, ಕುಡಿಯಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಕುಂಡ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಂಡ. पूजन करने के पश्चात आप जो है अंदर आएंगे, भगवान नारायण का दर्शन करेंगे, विष्णु भगवान को देखेंगे। यहाँ पर मूर्ति स्पर्श नहीं होती है, बीच मध्य की मूर्ति है भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण जी की। नारायण के बाएं तरफ है, लेफ्ट में है सरस्वती जी, नारायण के राइट में है लक्ष्मी जी। भगवान नारायण के पीछे से पीले वस्त्र में 2 मूर्ति है, बद्र नारायण और रामचंद्र जी। बड़ी बड़ी आँखों वाली 2 मूर्तियाँ हैं, कुबेर और क्षेत्रपाल जी हैं। भगवान नारायण के आगे बड़ी चतुर्भुज मूर्ति है जो सत्यनारायण की है, और अखंड दीपक है चांदी का जिसमें शंकर और पार्वती का जोड़ा मूर्ति है, और वहीं पर जो है अनंत सैन भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, और 3 युग का विभा काल का वेदी है जो त्रेता युग से प्रज्वलित है, जिसका भस्मी रक्षा जो है आपको घर के लिए मुख्य प्रसादी के तौर पर जाता है, जिसका कि बहुत बड़ा महत्व है, अपने आप में सिद्ध है वो भस्मी। बाहर पंचनाम देते हैं, गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, शिव जी और बजरंगबली। ये यहाँ का शॉर्ट में तीर्थ दर्शन बताया है, प्रेम से अपने दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। बोलो भगवान त्रिजुगी नारायण की जय। ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.